from the genuine composer and the real today's a Sufi writer, Gulzar Sahab. Gulzar Sahab. Gulzar Sahab. And I met Gulzar Sahab कल ही, उनसे मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत ही जेन्युइन सॉन्ग के लिए. और आई मस्ट से थैंक्स टू द ज्यूरी ऑल्सो, टू एवरी वन, टू विशाल जी, टू गुलजार साहब. नाइस. आप बहुत गिन चुके, कम गाने करते हैं लेकिन अवार्ड ले जाते हैं. आई थिंक सो, वी आर वेरी मच फाउंड ऑफ रिवॉर्ड. Wherever we go, we get blessing, we get love, we get more informations. हमको लोग मिलते हैं, suggestions भी देते हैं. ऐसे लोग भी मिलते हैं जैसे अभी रिसेंटली थ्री मिनट्स बिफोर मेरे को फ़ोन आया, कहते बहुत बहुत बधाई हो आपको अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड बिस्मिल के लिए. और लेकिन एक बात और भी आपसे कहना चाहूँगा, मैंने कहा बताइए, कहते आप अपना रियाज मत बंद कीजिए, यानी डोंट स्टॉप योर प्रैक्टिस. सो इस तरह की सजेशंस वेल विशर्स से मिलती है, बधाइयाँ भी मिलती हैं, इंफॉर्मेशंस अबाउट म्यूजिक मिलता है, तो वी फील गुड अबाउट इट. वी डू, वी इम्प्लीमेंट आल्सो देयर सजेशंस. नेशनल अवार्ड की क्या अहमियत है आपके लिए? इट्स इम्पॉर्टेंट. क्या होता है, कोई भी अवार्ड कहीं भी अप्रिशिएशन जो आपको, जैसे किसी सेलिब्रेशन में हम लोग किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं या दुआ लेके जाते हैं, तो अवार्ड्स आर बेसिकली मीट मॉरल भी बढ़ाने के लिए और एक अप्रिशिएशन है. और जैसे मैंने रिवॉर्ड को बहुत मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ, आई रियली गिव इम्पोर्टेंस रिवॉर्ड वेरी मच. बट अवार्ड जो होते हैं वो काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने के बाद दे डिसाइड. और मोर ओवर अवार्ड्स का परफॉर्मेंस जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, बेहतरीन ही रहा है, उसके डिसीजन जो रहे हैं, फैसले जो रहे हैं. बिस्मिल इज अ सॉन्ग जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक गाने जो भी अभी मैं अभी तक मैंने गाए हैं तो अप्रिशिएशन हम लोगों को मिलती है. वाह वाह सुखी जी, वाह वाह सुखी जी, सुखविंदर पाजी, समथिंग समथिंग. तो एप्रिशिएशन जो है वो पूरे मतलब शरीर में, पूरे हमारे इनर सिस्टम में इकट्ठी हो जाती है. फिर एप्रिशिएशन के ऊपर काम करना चाहिए व्हेन वी डोंट वर्क, क्योंकि एप्रिशिएशन को सजेशंस की तरह लेना चाहिए. लेकिन कभी कभी जो बाकी की एप्रिशिएशन रह जाती है, कहीं ना कहीं वो फिर घमंड का भी रूप धारण कर लेती है. तो उसके लिए अपना एक ही तरीका है कि कुछ इतना बेहतरीन काम करो, इतना बेहतरीन काम करो कि ताकि उसको करते समय जो आपको मशक्कत करनी पड़ती है, उस वक्त जो आपका पसीना बहता है, उस वक्त जब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, तो एक उसके दो फायदे होते हैं. एक तो घमंड चूर होता है आपका, सेकंड आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है. और वो ऐसा सेम मौका आया मेरा हैदर में जब बिस्मिल के लिए गा रहा था, तो वो मुझे पता चला कि मैं कितने पानी में हूँ. मुझे उस दिन एक ब्लेसिंग मिली कि सुखी यू नीड मोर प्रैक्टिस. उसमें एक और मेरे को अपने आप को इंफॉर्मेशन मिली कि यू हैव टू टेक मोर अटेंशन अबाउट म्यूजिक, यू हैव टू डाइजेस्ट दैट एप्रिशिएशन विच यू आर गेटिंग एवरी डे. तो उसे मतलब संभाल के नहीं रखो, उसका यूटिलाइज करो. तो हैदर का जो गाना है मैं आज आपको एक सेंटेंस में बताता हूँ, इट वॉज एक्चुअली नॉट ईजी. आज विशाल जी मेरे साथ अगर बैठे हों अभी तो वो बताएंगे. मतलब लोग कहते हैं आज सुखी तो बहुत जादूगर, आई एम नॉट अ तांत्रिक, आई एम अ सिंगर एंड आई लव माई कंपोजर, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर माई कंपोजर. बहुत बेहतरीन गाना है, बेहतरीन कंपोजिशन. अवार्ड डेडिकेट करना चाहूँगा फॉर द सिंगर्स कि इस तरह का अगर गाने को वो डेफिनेटली अभी आज वो फिर दोबारा सुन रहे हैं. कुछ एक सिंगर्स का मेरे को फ़ोन आया है, नॉन फिल्म सिंगर्स, तो कहते यार हम दोबारा गाना सुन रहे हैं, हम लोग इसको बहुत बारीकी से सुन रहे हैं.
सुने हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कि इस तरह से इस गाने को गाने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह की अटेंशन चाहिए, तो ये डेडिकेट जो है ये हम तीनों की तरफ से विशाल भारद्वाज जी की तरफ से, गुलजार साहब की तरफ से, सुखविंदर सिंह की तरफ से, हैदर फिल्म की तरफ से, ये उन सिंगर्स के लिए है कि जो वाकई में अग्रेशन के बगैर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, और उनके लिए भी सबक है कि जो सोचते कि शायद अग्रेशन डज वर्क, नो, उनके लिए भी। डिफिकल्ट विशाल भारद्वाज जी के यहाँ डिफिकल्ट काम नहीं होता है, ये बहुत इंटरटेनिंग रखते हैं। फिल्म लाइक कमीने हो या ओमकारा हो, हैदर हो, ब्लू अम्ब्रेला हो, इनके सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और इतने यूनिक भी होते हैं। लाइक फिल्म ये हैदर फिल्म का कंटेंट इतना डार्क है, इस पर इंटरटेनिंग फिल्म बनाना इज इम्पॉसिबल एंड दे मेड इट पॉसिबल। उसको कैसे पॉसिबल किया, किस तरह से उसको आम लोगों तक पहुंचाया, इन्होंने बात कहने के बाद ये नहीं कहा कि मेरा कहने का मतलब ये है, बात कही और बात समझ में आ गई। अदरवाइज इनके यहाँ काम करने का तरीका बहुत ही फ्रेंडली होता है, ऐसा लगता है हम किसी सेलिब्रेशन में आए हैं, बहुत अलग होता है, बहुत याराना सा रहता है काम करने का। तो उसमें एक्चुअली अगर कोई जो सुन रहे हैं गाने, जो बिस्मिल सुने या कोई भी इनके ओमकारा के धम धम धड़म धड़ैया या ब्लू अम्ब्रेला के, अगर कोई ध्यान से सुने, इवन व्हेन आई आल्सो लिसन, पता चलता कि यार ये अरे ऐसा, तो अदरवाइज तो इट इज़ नॉट दैट इजी कि सामने आया और गाया और खाया और चले गए। नो, आई हैव टू स्टे व्हेन एवर आई कम ओवर हियर। ये उनके स्टूडियो का एक हिस्सा है, जब यहाँ पे आते हैं तो उस वक्त मैं पूरा लंच वंच करके आता हूँ, मुझे मालूम है कि नेक्स्ट टर्न विल बी डिनर ओनली, इट इज़ जस्ट नॉट कि यू कम एंड यू गो, नो। तो हम लोग सीखते भी हैं कुछ उनके यहाँ आके। डेस्टिनी लिखा जा रहा था तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था कि नेशनल अवार्ड तो जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने पास में आप गुलजार साहब, आप विशाल भारद्वाज, जब एसोसिएशन काम करता है तो कहीं ना कहीं एक मैजिक जरूर होता है। सो इट वाज अ प्री प्लान फॉर द नेशनल अवार्ड। नेवर, ये तीनों का और किसी भी जो पैशनेट लोग हैं, जो दीवाने हैं, उनका ये उनके अंदर ये सेंटेंस आता ही नहीं, दे डोंट कीप दिस सेंटेंस ड्यूरिंग वर्क, नेवर। इस तरह से नहीं सोचते कि हम जो गाना बना रहे हैं इसको ऑस्कर मिलेगा, ग्रैमी मिलेगा, नेशनल अवार्ड मिलेगा। दे डू सिंपली वर्क, डोंट दे इवन इमेजिन, दे बिलीव इन गुड वर्क। एंड गुलजार साहब एंड विशाल जी, और मुझे तो अभी विशाल दजलानी अगर अभी यहाँ से चले गए, आप उनसे पूछते हो तो विशाल भारद्वाज जी को बोल रहे थे, इसको तो पता भी नहीं होगा किधर घूम रहा होगा, पकड़ो उसको, बताओ उसको बताओ। तो बल्कि उन्होंने मेरे को डांटा, मैंने कहा मैं काम ख़त्म करके आता हूँ, कहते नहीं अभी आ, अभी आ। तो फिर मेरा यहाँ पर एक मशहूर है, जब मैं यहाँ आता हूँ, जब गाना ख़त्म होता है, कम्प्लीट होता है रिकॉर्डिंग, तो मुझे रस्क खाने वाली चीज़ होती है और चाय, वो मैंने पार्टी अपनी कर ली है, मैंने आते हूँ। विशाल जी गाने का एक लाइन आपको ये अवार्ड दिया गया है, तो दो लाइन अगर गुनगुना दें दर्शकों के लिए चलते चलते। बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे मत मिल गुल से मत मिल, हो बिस्मिल बिस्मिल बुलबुल बिस्मिल, अरे मत मिल गुल से मत मिल, बिस्मिल। थैंक यू वेरी मच, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। थोड़े आगे आ सकते हो। हाँ थैंक यू।
अभी ठीक है? रोलिंग गाइस, गाइस रोलिंग। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर। ये सी चलने दो इसके, अगर नहीं हम ही गए हम क्या करें, बंद कर दो सर। सर यहाँ पे जी रोलिंग। रोलिंग। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर। 5-5 अवार्ड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या फिर इससे ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट किया था? नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 अवार्ड एक साथ मिलना बहुत ही बड़ी बात है। और हैदर को इतना सराहा गया, इतने अवार्ड्स मिले, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम स्पीचलेस। सर, आर यू डिसअपॉइंटेड दैट शाहिद कपूर डिड नॉट विन बेस्ट एक्टर अवार्ड? Yes, I am disappointed and I am little sad for him because I think his performance was very good. बहुत ही खूबसूरत परफॉर्म किया था उसने, और अगर उसको एक और मिल जाता तो हमारे 5 का छक्का भी लग जाता। और पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जिसको मिला है उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है इस बात को कहना कि कौन सी परफॉर्मेंस बेहतर थी। बट एक्चुअली आई एम सैड फॉर शायद। आप लगता है जितनी विरोध हुई थी हैदर के टाइम पर, उसका एक मुंह तोड़ जवाब मिला है नेशनल अवार्ड जीत के? आई डोंट थिंक सो। आई एम नॉट सीइंग इट एज ए मुंह तोड़ जवाब, बट ये है कि एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैंने उस वक्त भी रिएक्ट नहीं किया था जब फिल्म के बारे में इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और ट्विटर और फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा कैंपेन चला था। ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना मैं ट्विटर पर हूँ, ना मैं व्हाट्सएप पर हूँ। मैंने अपने आप को अलूफ किया हुआ था, मैं रिएक्ट भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने फिल्म के जो मुझे कहना था वो मैंने फिल्म से कहा था, उसके ऊपर जो लोगों के रिएक्शन थे वो उनका हक था। और ये है कि ये मेरे अपने जो फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और मुझे और निडर और फियरलेस बनाता है, कि मुझे मेरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड मेरी फिल्म को एक साथ हैदर को मिले, तो मुझे ये लगता है कि मैं सही रास्ते पर था और मैंने बिल्कुल सही किया, और मैं ऐसी ही फिल्में निडर होके बनाऊंगा। और हैव यू स्पोकन टू एनी ऑफ द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म्स? हैव यू हैड एनी कन्वर्सेशन आफ्टर द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड विद शाहिद और तब्बू और एनीबॉडी? नहीं, अभी तो मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब दोस्तों के फोन आ रहे हैं, वो कर भी रहे होंगे तो नहीं मिल रहा होगा मेरा फोन, बट आई एम श्योर यू नो दे ऑल मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर मी एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुनाइट। बहुत सी चीज़ें हो रही थी कि दैट लॉट ऑफ सैफ्रनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड पता नहीं, जैसे आई स्पोक टू इरफान खान, आई डोंट नो कि दैट अ मूवी लाइक हैदर कैन गेट अ क्लियरेंस इन टुडेज़ टाइम, इस सिचुएशन है। डू यू समवेयर फील दैट विंडिकेटेड दैट द जूरी हैज बीन लाइक अनबायस्ड, एंड स्पेशली द डायलॉग अवार्ड दैट यू गॉट, बिकॉज दैट्स क्रूशियल। आई थिंक इट्स मोर देन जूरी, इट्स इट गिव्स आवर फेथ टू द होल गवर्नमेंट, क्योंकि दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विच मेड दिस जूरी विच वॉज सो इम्पार्शियल एंड विच वॉज सो ऑनेस्ट, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम यू नो इट गिव्स मी सो मच फेथ एंड होप एज वी यू नो मेट द मिनिस्ट्री आई एंड बी मिनिस्टर मिस्टर राठौर एंड ही हैड अ मीटिंग विद गिल्ड एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंडस्ट्री, and he said that whatever is happening in censor board and its ministry has got nothing to do with this, and it proves that he was absolutely right, because Hyderabad got 5 national award. So it's very good, it's very nice, it's hopeful, it gives us a lot of hope that our art will not be suffocated. And also, do you think कि ये साल जो है रहा है वो हैदर के नाम ही रहा, जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन शाहिद कपूर के लिए भी ये साल बहुत ही ज्यादा सही रहा है, जिस तरीके से अगर हैदर में उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था, और अब सुनने में आया कि शाहिद जो है वो शादी भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आई थिंक अच्छी बात है, मुझे मैंने भी पेपर में पढ़ा है, मेरी शाहिद से बात नहीं हुई है, तो आई होप कि वो खबर सच्ची हो, और शाहिद को अगर अपना जीवन साथी मिल रहा है उसकी चॉइस का, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो हैदर ने शायद उसको दोबारा उसको पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पे ऊंचाइयों पे लेके आ गया। ये 5-5 अवार्ड किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप? आई थिंक कि किसको, आई थिंक टू माय होल यूनिट,
क्योंकि फिल्म एक आदमी से नहीं बनती है और डायरेक्टर उसका सब क्रेडिट लेके जाता है, पर उस फिल्म के पीछे करीब 500 लोगों का हाथ होता है, फ्रॉम स्पॉट बॉय टू आर फाइनेंसर टू आर प्रोड्यूसर्स, यूटीवी सिद्धार्थ, अमृता, जिन लोगों ने इतना फेथ किया, क्योंकि ये जो बाद में जो बातें उठी हैदर को लेके, ये हमको बनाने से पहले भी इस बात का अंदाज़ा था कि हम क्या फिल्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए सरप्राइज़ था, मगर उस स्क्रिप्ट को फिर भी पैसे के साथ सपोर्ट करना, उसमें फेथ देना, उसमें पूरा सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी देना, वो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द प्रोड्यूसर्स एंड द होल यूनिट, क्योंकि फिल्म जो खूबसूरत बनती है वो एक अकेले आदमी से नहीं बनती है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है। क्योंकि बशारत के अलावा ये फिल्म बनती नहीं, क्योंकि मुझे तो कश्मीर के बारे में, मैंने ना वहाँ कभी गया था मैं इस फिल्म बनाने से पहले, और ना मैंने वहाँ की जिंदगी देखी थी क्या था। मैंने बशारत का हाथ पकड़ के, मैं वक्त में पीछे जाके पूरी वो, क्योंकि फिल्म 95 में थी, बशारत की जो किताब थी वो उसके मेमोयर्स थे, कि वो जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स थे वो उसके बारे में उसके मेमोयर्स थे, इट वाज नॉट अबाउट हैमलेट, पर मैंने वो उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उसके जो फीलिंग्स थे, उसको ट्रांसलेट किया। तो बशारत के बिना तो फिल्म बनी नहीं सकती थी। ऑफकोर्स बशारत वॉज द बिगेस्ट टूल फॉर दिस फिल्म। फिल्म के लिए पैसे नहीं चार्ज किए थे शाहिद और आपने, तो अब क्या वो पैसे की बात होगी? मैं आई थिंक वो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती जो हैदर ने मुझे दी है। पैसे तो मिलते रहते हैं, पहले भी कमाए थे, आगे भी कमाएंगे, और हैदर में भी कमाए हैं, क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा बिजनेस किया, पर 5 नेशनल अवार्ड पैसे से नहीं आ सकते, और शायद बाकी पॉपुलर अवार्ड्स आते होंगे, मैंने सुना है कि हो जाते हैं, पर नेशनल अवार्ड 5 नहीं आ सकते पैसे से। हम लोग सब जाएंगे, दारू पियेंगे, डांस करेंगे, आपस में मज़े करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट है पूरी फिल्म के लिए और पूरी हमारी पूरी यूनिट के लिए बहुत बड़ा है, और आई थिंक हमारी पूरी फिल्म फेडरलिटी के लिए, कि हैदर जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है और नेशनल अवार्ड्स में भी। इट अचीव्स 5 नेशनल अवार्ड्स। कंगना के लिए क्या कहना चाहेंगे? कंगना को भी क्वीन के लिए नेशनल अवार्ड मिला है और क्वीन को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड। या मुझे दोनों के लिए, क्योंकि विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, विकास को भी बहुत मुबारक हो, और कंगना की परफॉर्मेंस अनडाउटेडली इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ दिस ईयर, सो आई एम सो हैप्पी फॉर कंगना दैट शी गॉट हर ड्यू। सर देयर वाज क्रिटिसिज्म दैट कश्मीरी पंडित का आपने शायद उतना आपने नहीं दिखाया है फिल्म के अंदर, बशारत की किताब के अंदर उन्होंने कश्मीरी पंडित के बारे में काफी पॉजिटिवली बात करी है दैट समय। चलिए मेरे 5 नेशनल अवार्ड उनको डेडिकेट। बिकॉज मेरा मानना है कि वो जो ट्रेजेडी हुई थी वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, पर उसके लिए पूरी एक अलग फिल्म बननी चाहिए। अगर उसमें हम छोटा सा टोकन कर देते तो दैट वुड हैव बीन वेरी अनफेयर टू दैट ट्रेजेडी। पूरी एक फिल्म बननी चाहिए उसके ऊपर, और अगर मौका लगा तो मैं ही बनाऊंगा कश्मीरी पंडितों की ट्रेजेडी के ऊपर। हाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टर ही बना कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर रह सकूँ, नहीं तो मुझे म्यूज़िक का काम मिलना बंद हो गया था फिल्मों में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं, मेरे ये 6 नेशनल अवार्ड हो चुके हैं, इससे पहले 4 थे, इस बार मुझे 2 और मिले हैं, और 6 में मेरे 3 अवार्ड म्यूज़िक के हैं, गॉड मदर का, इश्किया का और अब हैदर का। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं तो डायरेक्टर कभी बनना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि अपने आप को एज म्यूज़िक कंपोज़र हायर कर सकूँ, तो वो अब मेरा काम एक मौका पूरा हो गया। गुलजार साहब लिरिक्स आउटस्टैंडिंग जी, गुलजार साहब लिरिक्स वर आउटस्टैंडिंग। या ऑफ कोर्स, गुलजार साहब के लिरिक्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई विश कि उनको भी मिला होता। आपको लगता है बिस्मिल सॉन्ग बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग था, क्योंकि इसमें कोई कहानी बतानी थी और हाँ, इसलिए गुलजार साहब का कंट्रीब्यूशन भी उसमें उतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा है। सो आई विश कि मैंने गुलजार साहब का म्यूजिक में भी क्रेडिट दिया होता, विशाल जी, गुलजार जी, तो हम दोनों अवॉर्ड कर साथ में ले लेते, क्योंकि गुलजार साहब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो गाना गाना नहीं है, उसमें कहानी है पूरे, कैसे उसके फादर की किलिंग हुई थी, तो उसको पोएटिकली और लेके आना गाने के अंदर, क्यों गाना भी लगे और स्क्रीन प्ले भी लगे, वो गुलजार साहब ने पूरा गाना लिखा था, तब मैंने उसे कंपोज किया। विशाल जी, 5 नेशनल अवार्ड जीतने के बाद क्या आपके कंधे भारी पड़ गए अगली फिल्म के लिए? नहीं नहीं, अभी बहुत, 50 उठा सकता हूँ। 50 उठाने के लिए आउटस्टैंडिंग डायलॉग्स इन लेडीज़ दैट यू रोट। फिल्म अगर नहीं चलती है तो शायद उतना उसके बारे में ऐसे बात नहीं होता, बट बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स है।
I mean, do you feel that a good thing gets unnoticed because it doesn't do well at the box office somewhere? आई थिंक सूनर और लेटर यू नो उसका ड्यू मिल जाता है, तो आई थिंक वक्त के साथ वो चीज़ आएगी निकल के बाहर. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.